देखिए, एक शब्द है हिंदी में शुभारंभ। तो इस वीडियो में शुभारंभ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं और हिंदी में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या अर्थ होता है। पहले हिंदी में समझते हैं कि शुभ आरंभ, कोई चीज का जब आरंभ होता है, कोई चीज की जब शुरुआत होती है तो शुभ करके माना जाता है, इसलिए हम उसको शुभ आरंभ बोलते हैं। मतलब होता है शुभारंभ का जनरली आगाज, शुरू, शुरुआत, शुरुआती दौर, आरंभ या प्रारंभ, समारंभ, पहल, इब्तिदा, श्री गणेश, शिलान्यास, बिस्मिल्ला, मतलब शुभारंभ। इंग्लिश में शुभारंभ को बोलते हैं इनॉग्रेशन, लॉन्चिंग सेरेमनी, बिगनिंग, स्टार्ट या स्टार्टिंग, इनॉग्रल, इनिशिएशन, ओपनिंग एंड एटीसी। मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं शुभारंभ के। अब एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं, जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे कि इसका जल्दी ही शुभारंभ होने जा रहा है, मतलब इसमें इट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड सून। तो लॉन्च का मतलब शुभारंभ करना, आगाज करना। दूसरा एग्जांपल है कि इसका जल्दी शुभारंभ होगा, आपको बुलाया जाएगा, मतलब इसमें इट विल स्टार्ट सून एंड यू विल बी कॉल्ड। तो स्टार्ट का मतलब भी शुभारंभ, मतलब आरंभ, मतलब शुभारंभ। ठीक है, तो मैंने आपने शुभारंभ शब्द को हिंदी इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।